मंडी स्थित प्रसिद्ध भीमा काली मंदिर में दो दिवसीय व्यूली मेले का आयोजन किया गया। ये मेला हर वर्ष लगाया जाता है क्योंकि 13-14 अप्रैल को माता भीमा काली का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दौरान मेले में स्थानीय देवी देवता शिरकत करते हैं और मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मेले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए भीमा काली मंदिर के पुजारी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि भीमा काली मंदिर की स्थापना राजा वानसेन के द्वारा 1241 से 1242 में की गई थी। उन्होंने बताया कि ये मेला माता भीमा काली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और मेले में स्थानीय देवी देवता शिरकत कर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मेले पहले राजाओं के समय से आयोजित किए जाते थे और अब तक मेले का बहुत विकास हो चुका है। मेले का शुभारंभ समापन जिला अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं और मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती होती है। मेले में देवी देवताओं के साथ साथ सभी अतिथियों का सत्कार किया जाता है। पुजारी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पहले माता की छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी, उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया विकास होता गया और माता के मंदिर का स्वरूप सभी लोगों के समक्ष है। कि ये मंदिर जो है भीमा काली का, ये वानसेन के टाइम से स्थापित की गई माता है जो कि 1241-42 में इसकी स्थापना हुई है। तो उसके बाद उसी वक्त से जिस दिन ये स्थापना हुई है वो आज दिवस है, ये जो 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को दो दिन का यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाता है एक माता के जन्मदिन के रूप में। तो ये मेले जो है ये पहले जो थे तो उस वक्त राज्य स्तर का होता था, ये राजे यहाँ राजे महाराजे थे तो उनके सामने हुआ करता था और इस मेले में स्थानीय देवी देवते आते हैं और दो दिन का ये मेला होता है 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को भगवती भीमा काली का जन्मदिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि मेले का मुख्य आकर्षण दंगल होता है। दंगल को देखने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों से लोग यहां पहुंचते हैं और मेले का भरपूर आनंद उठाते हैं। मेले में आए लोगों ने बताया कि उन्होंने यहां आकर भीमा काली माता के दर्शन किए और मेले में दंगल प्रतियोगिता का भरपूर आनंद उठाया। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के आगमन से मेले में चार चांद लग जाते हैं। भीमा काली माता का मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है और हमने अभी आके इसके दर्शन किए, साथ में कुश्ती लगी हुई थी और कुश्ती में भी काफ़ी देर तक कुश्ती चली और अच्छा मनोरंजन हुआ कुश्ती में। और देवी देवता भी आए थे, काफ़ी देव देवता आए थे यहाँ और काफ़ी अच्छा मनोरंजन हुआ। और ये हमने जब लोगों से पूछा कि कब से मेला, तो लोग कहते हैं कि राजों के टाइम से जो है वो यहाँ मेला होता है, कोई होली में जो है कोई राजा की रियासत होती थी उस टाइम से शुरू हुआ है मेला, तब से देवी देवता और ये जो है इस कुश्ती का चेंज का जो है किया जाता है आयोजन। और यहाँ मंदिर भी काफ़ी पुराना है और मंदिर का भी काफ़ी अच्छा अच्छे दर्शन हुए और अच्छा सब कुछ अच्छा प्रोग्राम है। बहुत सुंदर लगा जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। मंदिर का कैंपस, मंदिर बहुत शानदार है, कैंपस में बहुत बढ़िया मेला आपकी लगा है। अभी कुश्तियों का आनंद लिया, अच्छी कुश्तियाँ हो रही है यहाँ, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। जाते थे मैं कुल्लू जाते थे, मनाली जाते थे, तो यहाँ गाड़ी से दिखता ही था कि ये मंदिर है। तो आज अंदर आके बहुत शानदार लगा, मंदिर बहुत सुंदर बन गया है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अब ये देखो यहाँ बच्चों का आयोजन, ये यहाँ पे खेलने का बड़ा अच्छा है, बच्चों के गार्डन वगैरह बहुत सुंदर अच्छा है।